कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका यू कोचिंग सेंटर में, जिसमें मैं आपको आज प्रॉफिट एंड लॉस का जो कि पार्ट टू लेके आया हूँ। इसमें पार्ट टू, पार्ट फर्स्ट में मैंने टाइप वन कराई थी, टाइप टू कराई थी, और क्वेश्चनों की मैंने जो बेसिक क्वेश्चनों के बेसिक हल आपको समझाया था। अब आगे के लिए मैं टाइप थ्री के जो क्वेश्चन है, जैसे कि लाभ, मैंने जैसे लाभ और लाभ वाले है ना, 16 जिसमें किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 2,000 रुपये अधिक में बेचा होता होता तो 24% का लाभ प्राप्त होता। तो देखो, इस प्रकार से इसमें किसी में लाभ और लाभ आया थे, हानि आया थे, इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले टाइप थ्री में मैं आपको कराऊंगा, है ना। इन क्वेश्चनों के माध्यम से ये प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके लिए कराता जाऊंगा। आगे आगे देखिए आप, ठीक है। आगे देखें, इसमें देखो सबसे पहले क्या है, किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया है, ठीक है। तो देखो, आप देखो सबसे पहले देखो 16% लाभ पर किसी वस्तु को बेचा गया है ना। और फिर दोबारा से, जब दोनों में पहले भी 16% लाभ पर बेचा गया, दोबारा भी 16% लाभ पर बेचा गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाए तो आप क्या करना, सबसे पहले हमें 24% में बेचा गया, ऐसे सबसे पहले इनका अंतर देख लो, आप इनका अंतर निकाल लो, यानी कितने परसेंट का अंतर है दोनों में, 16 में और 24 में कितने का अंतर है, तो निकाल लें आप इसमें कितना 8% का अंतर है इसमें, ठीक है। तो 8% बराबर मैं क्या करता हूँ, 8% के बराबर 2,000 रुपये अधिक बोला है ना, 2,000 को इसके बराबर रख दें आप, ठीक है। अब 8 से इसे काट दो आप, कितनी बार घटेगा देखो, 8 दूनी 16, 4 बचे 40, 8 5 40, 250 हो गया है ना, 8% बराबर 250 हो गया है ना। अब 100% अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप, 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई करके 25,000, ठीक है, 25,000 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अभी लाभ लाभ और लाभ वाले है ना, हानि भी आ सकता है इसमें, लाभ भी, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मैं कराता जाऊंगा, अभी देखते जाओ आप आगे क्या है। वही वाला क्वेश्चन, सेम वही है, क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें देखो आप क्या है, अब की बार देखो किसी वस्तु को 15% लाभ पर, है ना, 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 6,500 सॉरी 6,500 अधिक में बेचा होता तो 28% का लाभ प्राप्त होता। आपको सबसे पहले ये सवाल देखना है, आपको ये देखना है, लाभ है, लाभ अगर समान है दोनों में, लॉस डबल बार लॉस हो रहा है, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बेचने में दो डबल बार उसे लॉस, मतलब उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब दो बार बेचने पर उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो देखो दोनों बार का अंतर, पहले 15% का हो रहा था, फिर 28% का हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, इसमें लाभ और लाभ दोनों में दो बार हो रहा है ना, तो इसका अंतर देखें कितना हो गया, कितने का अंतर है, 13 का, 13%, मतलब 13% के बराबर 65, 6,500 रुपये अधिक दे रखे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, 13 के बराबर क्या रखते, 65, है ना, इसे क्या करते हैं, 6,500 रुपये को इसके बराबर रख देते हैं, 13 से इसे काट दो, 13 पंजे 65, तो क्या आ जाएगा हमारा, 13 पंजे 65, 1% बराबर आ गया 13 पंजे 65, 500। हमें निकालना क्या, 100%, तभी तो हमें पता प्राप्त होगा कितना धन, किसी वस्तु कितने में बेचेंगे हम। तो अब 1% बराबर हो गया, तो ऐसे 1% बराबर हो गया, तो कर दो इसमें 100% निकालना है ना, तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना, 100 का इसमें कर दो, कितना हो जाएगा, 50,000, तो 100% 50,000 आ गया, तो 50,000 कौन सा, ऑप्शन बी है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आए, इस प्रकार से आप उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं जल्दी से। ये मैं समझाने में समय लग रहा है, वैसे इस सवाल में 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। अब अगला वाला सवाल देख, अब देखिए तीसरा सवाल, किसी घड़ी को 15% हानि पर बेचा जाना था, लेकिन उसका मूल्य 1,850 रुपये बढ़ाया गया, 1,850 रुपये बढ़ाया गया, जिससे 5% का लाभ प्राप्त हुआ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ओनली 20%, 20 सेकंड का सवाल है ओनली, है ना। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखो हमें इस प्रकार के सवाल दिखे, यानी कि हानि हो रही है उसमें, लाभ हो रही है, हानि या लाभ हो रहे हैं दोनों तरफ से, हानि और लाभ दोनों ही इसमें है ना। तो हानि कितने की हो रही है, 15% की हमारी कितनी हानि हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम 100 में 100 में देखना आप, 15% की क्या हो रही है हमारी हानि, तो कितना आ जाएगा हमारा, 85%, ठीक है। और 100 पे क्या हुई, 5% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 105%, यानी कि ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट हो यहाँ पर हो रहा है हमारा लॉस, हमें 15% का लॉस है ना। तो हमें देखना इन दोनों का, अब देखो अंतर अंतर इस प्रकार से देखना है,
अगर लाभ हानि का हमें दोनों हानि और लाभ दोनों दे रखे हैं, अगर उस प्रकार से आप अंतर देखते 15% और 5% का देखते 10% आता तो आपका सवाल गलत जाता। लेकिन आपको 100% में अंतर देखना है, यानी 85% कम, 15% की हानि हो रही है तो पहले हमने कम कर दिया, उसके बाद में 5% बढ़ा दिया, इन दोनों का अंतर कितना है 20%। 20% बराबर कितना दे रखा है सवाल में, कितना दे रखा है 1860 है, ये 1860 है, ठीक है। 20% बराबर क्या दे रखा है 1860, ठीक है। 20% बराबर जीरो से हम जीरो को काट सकते हैं ऐसे, ठीक है, जीरो से दो से इसे काट दो, यानी एक के बराबर क्या आ गया आपका देखना 93 आ गया, एक के बराबर आ गया। आपको क्या निकालना है 100%, क्योंकि हमारा जो क्रेम मूल्य होता है हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना 100% निकालना, निकाल दो आप 100%, तो 93 मल्टीप्लाई कितना होता है 100, तो निकाल दो इसका कितना हो जाएगा 100% 93 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 100 का कितना आ गया 9300 आ गया, है ना। तो 9300 कौन से में, ऑप्शन सी में है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ठीक है, इतना सरल क्वेश्चन है। इसी प्रकार से मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, ओनली 20 सेकंड मिलेंगे आपको करने के लिए, ठीक है, 20 सेकंड में करना होगा अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रकार से ये सवाल है, किसी मोबाइल को सेम टू सेम, अभी पिछला सवाल कराया सेम टू सेम वही है, आप क्या करोगे, आपको ये पता है हमें क्या क्रैम मूल्य निकालना है इसमें, है ना, क्रैम मूल्य निकालना, आपको पता है क्रैम मूल्य 100% होता है। आपसे कहिए 25% हानि पे, तो 100 में तो 25 गए तो कितना बचेगा 75%, है ना, और 12% लाभ पर, तो 112 कितना होगा 112 हो गया। दोनों का अंतर देखना, अब आप अंतर देखना दोनों का, अंतर यानी डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखना आप कितने का है 37% का, 37% का डिफरेंस है इनमें। अब 37% बराबर हमें वैल्यू, लेकिन उसका मूल्य 11,100 रुपये बढ़ाया गया, 11,100 रुपये बढ़ाया गया, जिससे 12% का लाभ प्राप्त हुआ, तो 11,100 रुपये बढ़ाया गया, 11,100 रुपये बढ़ाया गया, है ना। तो उसका मूल्य 12% होगा, वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है, तो आप क्या करना 37 से काटना, कितना 37 से कम, 37 का दो बार तीन बार 37 दिया 111 होता है, ठीक है, तो 1% बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 37 से तीन बार कट जाएगा ना 300, हमें क्या निकालना है 100%, 100% में क्या होता है ये 2 जीरो बढ़ा दो आप यहाँ पर, कितना आ गया हमारा ये देखना आप, 100% निकालना है ना, देखो 1% बराबर 300 है, 100% निकालना तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 100 का इसमें कर दो आप मल्टीप्लाई, 100% निकालना है ना, 1% था, 1% 300 है हमारा, 100% निकालना है तो 100 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 मुझे आ गया 30,000, कितना आ रहा है 30,000 आ रहा है ऑप्शन डी में, देखो ये ऑप्शन डी 30,000। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से आप अगला टाइप देखा, चौथा क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगला वाला क्वेश्चन देखें, अगली टाइप को एक टाइप 3 में, इसमें मैं तीन टाइप के सवाल, तीन प्रकार के सवाल करा चुका मैं इसमें, है ना। अब देखो इसमें कोई साड़ी को 20% हानि के बदले, 20% हानि के बदले 32% हानि, यानी कि देखो अब हानि हानि आ रही है, लॉस, या देखो लॉस लॉस दोनों बार लॉस हो रहा है उसको, ठीक है, लॉस दोनों बार क्या हो रहा है उसको, लॉस हो रहा है, लॉस पर बेचा गया, जिससे 1440 रुपए अधिक अधिक नुकसान हुआ, तो क्रय मूल्य याद कीजिए। तो देखो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन उस प्रकार का नहीं है, आप समझ रहे हो, है ना। इसमें तो हम डायरेक्ट ही, देखो दोनों में हानि हानि, दोनों में हानि हो रही है, लॉस हो रहा है दोनों में, अगर दोनों में लाभ, इसमें भी प्रॉफिट हो रही होती और इसमें भी मुझे प्रॉफिट हो रही होती, तो हम इसका ही डायरेक्ट ही दोनों का अंतर देख लेते, ठीक है, इन दोनों का अंतर देख लेते, यानी 20% का और यानी कि 32%, अगर इसमें क्या हो रहा तो मतलब इसमें दोनों में लॉस, इसमें भी लॉस हो रहा है और इसमें भी लॉस हो रहा है, तो इस प्रकार की कंडीशन हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर देख लेते हैं, कितने का अंतर है 12 का अंतर है, 12%, 12% बराबर देख रहा क्या दे रखा है, क्या दे रखा है 1440 दे रखा है, तो 12 से क्या करते हैं हम इसे काट देते, कितनी बार कटेगा ये 12 से काटना एक बार, कितना हो गया 24 को दो बार, यानी 120 बार कट गया हमारा, ठीक है, कितनी बार कटा 120 बार कट गया, तो यानी 1% का हमारे पास क्या आया 1% बराबर आ गया 120, और हमें निकालना क्या है 100% निकालना, तो हम क्या करते हैं इसमें 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 100% निकालना ना, 1% बराबर 120 था और इसमें निकालना है हमें, तो निकाल दो आप इसमें कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, हो गया 12,000 हो गया, 100% हमारा क्या 12,000 रुपये का, मतलब वो सारी थी, तो इसमें क्या है हमारी, ऑप्शन ए पे चले जाओ, ठीक है, ऑप्शन ए पे, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है, इस प्रकार से आप नोट कर लें इसे।
जैसे देखिए इसमें देखिए आप, कोई वस्तु को 6,850 में बेचने पर जितने रुपए की हानि, जितने रुपए की हानि यानी कि जितने की हमारे मान लो यानी वन, यानी एल लॉस हमारा कितना मानता हूँ, वन मानता हूँ, है ना, और पी प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि लाभ मानता हूँ, तो लाभ कितना हुआ, तो हानि होती है जिस उसने कहा, क्या कहा इसमें, जितने रुपए की हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होता है, उससे 3 गुना लाभ होता है। तो वन की हानि हो रही है तो लाभ कितने का होगा, 3 का लाभ होगा। ठीक है, अब हम देखो इन दोनों को टोटल करना कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 4 के बराबर रख दो इसे, इन दोनों में देखना आप इनमें और जहां इसमें और इसमें कितने का अंतर है, इसमें और इसमें अंतर देख लो, 7650 अंतर कितना है, 6850 का है ना, इसमें घटा दो आप इसमें 0 0, इसमें ढाई दे दो, 16 में से हट गया तो 8, कितने का, 8,000 का, तो इसमें क्या करता हूँ, 800, तो 4 से 800 काट दो कितना आ जाएगा, 1 के बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 200। ठीक है, तो आप देखो जिसमें, देखो इसमें बोला इसने हानि, इसमें बोला हानि, तो हम क्या करते हैं, देखो 6,800 रुपये, जैसे 6,850 रुपये हम पे, अगर हानि की बोल रहा है उसमें तो हमें क्या करना है, उसमें जोड़ दो, तो क्या करना है हमें, देखो इसमें क्या आया हमारा, 1 के बराबर क्या, 200, तो 1 के बराबर 200 आ गया, तो 3 के बराबर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, जितने रुपए की हानि, आप देखो इसमें देखना आप दोनों में, 6,800 इधर कितना था हमारा, इधर देखो इतना 7,650। अब आप देखना अगर हानि बोले, 200 की हानि बोल रहा है ना, तो इसमें क्या कर देंगे हम, इसे ऐड कर देंगे, 200 ऐड करने के बाद कितना बचेगा, 7,050 बचेगा। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है हमारा, प्रॉफिट बोल रहा है, 600 रुपए की क्या बोला, लाभ बोल रहा है, 3 गुना लाभ होता है, तो लाभ करने के लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं उसमें से, तो इसमें से क्या करते हैं, 600 को हम इसमें से कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 600 अगर इसमें से कम करेंगे तो 7,050 ही आएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, 7,050 हो जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब दोनों में कर देते हैं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसे इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, दोबारा देख लें एक बार, इन दोनों का मैंने अंतर निकाला था, सबसे पहले इन दोनों का अंतर कितना, 800 है ना, और मैंने क्या किया था यहाँ पे, देखो जितने रुपए की हानि होती है, जितने रुपए की, पैसे तो बोले नहीं है उसने, जितने रुपए की हानि होती है, तो 1 रुपए की, 1 रुपए मैंने मान लिया उसमें, है ना, लेट यानी कि 1 मान लिया मैंने, तो 1 कितने गुना बोला उसने, कितना गुना बोला, 3 गुना, तो 1 का 3 गुना करना, तो 3 हो जाएगा, कितना होगा, 4 होगा, दोनों को आपस में जोड़ के, और इन दोनों का अंतर कितना निकल गया है, 800, और इन दोनों को जोड़ के 3 और 1 4 होगा, 4 के बराबर 800 रख दिया, 4 से ये काट दिया 200 बार, तो 1 के बराबर 200 आ गया और 3 के बराबर 600 आ गया। लॉस बोले तो यानी कि जोड़ देते हैं हम, लॉस बोलता उल्टा होता है इसमें, लॉस बोलता है तो इसमें क्या करते हैं, 200 को जोड़ दिया तो 7,050 हो गया, और अगर प्रॉफिट बोलता है, लाभ बोलता है, तो इसमें क्या करते हैं, 600 रुपये जो इसमें से दूसरे वालों में से 600 रुपये इसमें से कम कर देना, तो मैं देख रहा 7,650 है, 600 रुपये कम कर देंगे तो 7,050 आ जाएगा, दोनों तरफ से आप देख सकते हो, तो इस प्रकार से ये आंसर है, आप नोट कर ले इसे। ठीक है, समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे। ठीक है, कर देते हैं दोनों अनुपातों को, एक का हो रहा था 1 पे 5 हो रही, तो 5 और 1 6 कर देते हैं इसमें, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी दिख जाए, गुना कोई भी गुने का क्वेश्चन दिख जाए आपको, है ना, इसमें कितना है 1200। ठीक है, 6 से इसे काट दो, कितनी बार कट जाए, 1 के बराबर कितना, 200। ठीक है, तो 200 को इसमें गुण मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ, 200, और 5 गुणा करना इसमें कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 के बराबर 200 आ गया, तो 1 के बराबर 1 में गुणा करिए 200 का, 200 की मतलब हानि हो रही है, तो इसमें क्या है, और प्रॉफिट कितना का है, प्रॉफिट यानी कि लाभ 1000 का हो रहा है, तो हम देखो इन दोनों बस इनको एक पास रख लेना आप, कितना था, 6,800 और 1 8,000 था, 8,000। देखो जिसमें मैंने आपसे क्या कहा था, इसमें मैंने कहा था इसमें अगर लॉस बोले, जैसे 200 का लॉस बोल रहा है ना, 200 का लॉस बोला, तो 200 इसमें क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, जोड़ देंगे, लॉस बोले तो यानी कि लॉस बोलेंगे तो इसमें जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, और अगर लाभ बोले तो 1,000 का लाभ हो रहा है, तो लाभ बोले तो 1,000 क्या हो जाएगा, कम कर देंगे, इसमें हो जाएगा 7,000 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल तो सही है, 7,000 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रकार का कोई सवाल आ जाए, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें कितने का, ये 7,900, ये कितना, 6,000 में बेच देता, मतलब कितने में बेचता, वो 6,000 में, 6,000 में बेचने पर होने वाली हानि से 11 सही, इसे क्या लिखते हैं हम, बता तुम्हें, 11 सही 1/9% को हम क्या लिखते थे, भिन्न के रूप में बताया था मैंने आपको, 1/9 लिख देते हैं, तो 1 में 1 जोड़ देते हैं, 1 में 1 जोड़ना कितना हो जाए, 10, तो ये 10 यहाँ पे हो गया, और 10 और ये 9 हो गया हमारा।
ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ देखना आप, इन दो देखो इन दोनों का अंतर देख लो आप, और इन्हें क्या करते हैं हम आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि इसमें देखो लाभ एक तरफ, तो इसमें लाभ हो रहा है और एक तरफ हानि हो रही है। तो मैंने क्या कहा था, जिस तरफ लाभ और हानि हो रही होगी तो हम क्या करते हैं भिन्न के रूप को, जैसे कि मैंने क्या बनाया, इसको मैंने 1/9 बनाया था, तो मैंने क्या किया एक को जोड़ के 10 हो गया हमारा, तो 9 हमारा नीचे रहेगा रहेगा, है ना। तो इसमें क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ना कितना 19 हो जाएगा, तो 19 के बराबर इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 19, 1900 का अंतर कितना है 1900 का, तो 19 से इसे काट दो कितना आ जाएगा, एक के बराबर आएगा कितना, एक के बराबर आ गया हमारा कितना आ गया इसमें, एक के बराबर हमारा 100 आ गया, है ना। अब एक के बराबर इसमें 100 आ गया हमारा, अगर मैं इसमें 100 इसमें से मैं क्या करता हूँ कम करता हूँ उसमें से, अगर एक के बराबर 100 आ गया इसमें, तो बराबर 100 है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो आप, 1000 हो जाएगा, ठीक है। वो इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो आप, इसमें कितना हो जाएगा हमारा 900 हो जाएगा इसमें, है ना। क्योंकि हमें पहले एक का मान निकाल लेते हैं, इन दोनों को आपस में 10 और 9 को जोड़ दिया मैंने, आपस में 19 कर दिया मैंने, इस टाइप के सवाल बनते ही है, देखना आप टाइप देख लेना, 19 बराबर 900, एक से काट दिया, एक के बराबर 100 आ गया मेरा, 100 के बराबर में इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 में, तो 1000 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, तो अगर मैं इसमें से देखो इसमें सबसे पहले क्या बोला उसने, लाभ बोला है, लाभ बोले से यानी घटा दो इसमें से, तो 7900 में थे, अगर मैं घटाता हूँ उसमें से 1000 में घटाता हूँ उसमें से कम करता हूँ तो कितना बचेगा 6900 बचेगा, और अगर मैं इसमें 900 जोड़ता हूँ तो मैं इसमें अगर 900 जोड़ता हूँ तो कितना बचेगा 6900 बचेगा, 900 हो जाएगा, 6900 हो जाएगा, यहाँ पे घटाता हूँ तो भी हो जाएगा, तो 6900 ऑप्शन सी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये मैंने अनुपात कैसे बनाए थे आपको बताया, 11 सही 1/11 को भिन्न के रूप में 1/9% भिन्न के रूप में मैं तोड़ दिया था, इसमें क्या किया 9 में 1 जोड़ दिया, 10 रख 10 मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि यहाँ पे लाभ, इसने लाभ बोला था, अगर हानि बोलता तो हम क्या करते 9 में से घटा के 8 लगते, अगर लाभ की जगह पे हानि बोलता अगर सवाल में अगर हानि होती है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं इसमें, तो हम 1/9 है ना, इसमें से एक घटा के 8 यहाँ रखते और 9 यहाँ पे रखते, ठीक है। लेकिन इसमें लाभ बोला इसीलिए हम क्या करते हैं 9 में 1 जोड़ के 10 रखते हैं। इन दोनों का अंतर देखा मैंने कितना हुआ अंतर, 1900 का अंतर हुआ था, ठीक है। और 10 10 और 9 कितने हो गए 19, तो 19 के बराबर मैंने ये रख दिया, 19 से काट दिया, एक के बराबर 100 आ गया, 100 का मैंने इसमें गुणा किया 1000 हो गया, 100 का मैंने इसमें गुणा किया 900 हो गया, 900 में हानि बोल देखो इसमें बोली है हानि, बाद में बोली कितनी क्या बोली है हानि, हानि बोले तो इसमें जोड़ देंगे, देखो उल्टा होता है, लाभ बोले लाभ बोलता है तो उसमें से घटा देते हैं और हानि बोलता है तो उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना, तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आपको इस प्रकार से तुरंत कर सकते हैं आप, ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो किसी वस्तु को 7600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, उस वस्तु को 6200 में बेचने पर होने वाली हानि से 33 सही 1/3% अधिक है, 33 सही 1/3% अधिक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोला इसके साथ, क्या बोला उसमें देखना लाभ बोला है, तो हम क्या करते हैं 7600 पर क्या बोला इसने लाभ, लाभ बोला है, और हानि किसने बोली इसने, हानि भी बोली इसमें, ठीक है। हानि किसमें बोली है, हानि देख लो आप, तो हानि बोलिए इसने 6200 रुपये, हानि बोलिए, ठीक है। तो हानि बोली दोनों को देखो, हानि बोलिए इसमें लाभ बोला है ना, दोनों को हम इस प्रकार से रख सकते हैं। अब इसमें देखो हमें सबसे पहले इस परसेंट को हम क्या करते हैं भिन्न में तोड़ते हैं, 1/3 हमेशा 33 सही 1/3 को 1/3 लिखते हैं। आ यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे लाभ बोल रहा है, अगर लाभ मांग रहा है इसमें लाभ बोल रहा है तो क्या करते हैं हम 1 3 में 1 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ 4 अनुपात में, 3 का 3 यहाँ रख देंगे हम, ठीक है ना, अनुपात में 1 जोड़ दिया ना, लाभ बोला इसलिए हानि बोलता तो 2 लिखते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं 4 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 7 हो जाएंगे, इन दोनों का अंतर देखना आप कितने का हमारा 1400 का, ठीक है, 4 और 3 7 हो जाएंगे, जोड़ के रख दिया 7 मैंने, है ना। इन दोनों का अंतर कितना देखना आप, अंतर इन दोनों का 1400, ठीक है, तो 7 के बराबर ये, तो इससे काट दो, तो 1 के बराबर क्या आ गया हमारा, 1 के बराबर आ गया हमारा 7 × 2, ठीक है, 1 के बराबर 200 आ गया। अब तो 200 का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 × 2 800 हो गया यहाँ पे, इसमें मैं 200 का मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना हो जाएगा हमारा 600। देखो हानि बोले तो इसमें क्या करते थे हम जोड़ देते थे इसमें, ठीक है, तो 6600 में अगर 600 में अगर क्या कर दूंगा हानि बोले तो, हानि बोले तो प्लस, हानि बोले तो प्लस, तो कितना हो जाएगा हमारा देखना आप, ये हो जाएगा हमारा 6800, ठीक है। और इसमें क्या कर देंगे हम, इसमें घटा देंगे हम, अगर हम इसमें से 7600 में से अगर 800 घटा देंगे हम
लाभ बोले तो मैंने घटा देंगे, तो कितना बचेगा 6800। तो देखो 6800 6800 दोनों तरफ आ गया, तो ये आंसर है हमारा, ठीक है, 6800 रुपये की राशि हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 6800 इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से कर सकते हो। बहुत क्वेश्चन इस प्रकार के ही बनते हैं, ठीक है, घुमाता है इस क्वेश्चन को। आप और भी अपनी टाइप से करके देख लेना, बहुत कठिनाई महसूस होगी आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस प्रकार से आप करें। और अगली टाइप आप देखें 5 मिनट, वो इस प्रकार की टाइप बहुत इंपोर्टेंट होती है, ये टाइप एग्जाम में ज्यादातर बनती है। देखो तो इसमें क्या है, इसमें एक आदमी ने 18,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी, इसमें से 90% वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच दी, मतलब कुछ वस्तुओं, मतलब किसी 90% वस्तुओं को वो 5% लाभ पर बेच दी गई, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच दी जाए, शेष को मतलब कितनी परसेंट लाभ पर बेच दी जाए, जिससे कुल 8% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 90% वस्तुएं बेची थी ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 90% को लेते हैं ना, हमें एक चीज पता है 90% को हम क्या लिख सकते हैं, हम 90% को 9/10 लिख सकते हैं, ठीक है, 9/10 लिख सकते हैं। तो हमें देखो इस प्रकार से कोई भी सवाल हो, परसेंट में हो, है ना, 90% को हम 9/10 ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, देखो टोटल इसमें क्या करेंगे, टोटल बस है ना, इसमें हम टोटल लिखेंगे, टोटल वस्तुएं है ना, और इसमें क्या लिखेंगे हम, सेलिंग, जो वस्तु हमने बेची है ना, सेल की गई वस्तु हमने, मतलब जो भी हमने वो करी है सेल, ये सेलिंग होती है। टोटल हमारी 10 वस्तुएं है ना, 10 वस्तु का टोटल है हमारे पास, है ना, और 9 हमने क्या कर दी, सेलिंग कर दी, और शेष कितनी बचेंगी, मतलब 10 में से अगर 9 बेच दी तो कितना बचेगी रिमेनिंग, है रिमेनिंग यानी कि शेष कितनी वस्तु बचेगी, 1। देखो अगर आपको ये टाइप क्लियर हो गई इस प्रकार से, अगर आपको ये पता कि टोटल हमारा हमेशा टोटल वस्तुएं नीचे वाली हमारी टोटल वस्तुएं रहेंगी, इस टाइप में एक बात ध्यान रखना, इसमें बहुत से सवाल, कई प्रकार के सवाल आएंगे इसमें से, है ना, तो नीचे वाली को हमें टोटल मानना है, और ऊपर वाली जो बेची गई 9 बेच दी गई, 10 में से 9 बेच दी गई, और शेष कितनी बची हमारी, 1 बची। तो हम इस प्रकार से क्या करते हैं, तो हमें सबसे पहले देखना है टोटल वस्तु है, इसने क्या है हमें लाभ पर बेचने, जिससे कि उसे कुल, देखो हमें कुल उसने दे रखा ऑलरेडी पहले, कुल यानी टोटल एक ही बात है, कुल 10 वस्तु है, कितनी वस्तु है, 10 है, हम क्या क्या करते हैं, 10 का इसमें इसमें कितना 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और सेल बेची कितनी गई है, 9 बेची गई, कितने परसेंट लाभ पर बेची गई है, 9 कितने परसेंट लाभ पर बेची गई है देखना आप इसमें, तो 5% के लाभ पर, ठीक है, 9 वस्तुएं 5% के लाभ पर बेची गई है। तो इसमें देखो आप क्या है, मतलब बेची गई वस्तुओं उसने उसमें दे दिया है 90% वस्तुओं में से 5% लाभ पर बेच दी गई, 5% लाभ पर बेच दी, तो बेची गई यानी सेलिंग, 5% तो कर दो इसमें, 9 पंजे कितना हो गया हमारा जी, 45, 9 पंजे 45, 8 ढाई कितना हो गया, 80, ठीक है, 8 ढाई 80, 9 पंजे 45 हो गया इसमें, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर देखना आप क्या हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों में अंतर देखना आप कितने का हो जाएगा हमारा, देखो दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा हमारा, 35% का, ठीक है, इन दोनों का अंतर देखना, टोटल में देखना आप, टोटल और सेलिंग, टोटल हमने कितनी है, टोटल हमारे पास 80 वस्तुएं थी, 45 बेच दी, तो कितनी परसेंट, 80% हमारी वो हो गई, और 45%, तो कितना बची हमारी पास, 35%, ऑप्शन में देखना कौन से में, ऑप्शन बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इस प्रकार से तो दोबारा मैं समझाता हूँ एक बार, है ना, एक बार और दोबारा देख लें आप, जिनके कम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। देखो तो हमें सबसे पहले 90% वस्तु है ना हमारे पास, 90% को क्या करते हैं, 90% को मैं क्या लिखता हूँ, 90% को मैं लिखता हूँ 9/10, ठीक है, हमारे पास टोटल कितनी है, हमारे पास देखो टोटल देखना है आप, टोटल हमारे पास है 10, अच्छा सेलिंग बेची कितनी गई है हमने, बेची कितनी थी 9, 10 थी, 9 बेच दी, शेष कितनी बचेगी हमारे पास रिमेनिंग, शेष बचेगी कितनी वस्तु, शेष वस्तु कितनी बचेगी 1, तो 1। अब देखो आप, अब तो टोटल हमारे पास 8% लाभ प्राप्त हो रहा है, टोटल पर कितना 8% लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 8 ढाई 80 हो गया, 9 पे हमें कितना प्राप्त हो रहा है हमें 5%, 5 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 45 हो गया, इन दोनों का अंतर देखना कितने परसेंट में, तो 35%, कितने का 80 में 5 35%, 35% ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो इसी प्रकार से अगला सवाल देखें आप, ऊपर 8% लाभ पर बेची गई, 8% लाभ पर बेची गई, ठीक है, बेची गई
शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे जिससे कुल 15% का लाभ प्राप्त हो। मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले भिन्न के रूप, और इसमें देखो भिन्न का रूप सीधा दे रखा है, किसी में परसेंट दे रखा होता है लेकिन इसमें भिन्न का रूप सीधा दे रखा है आपको। तो 3/5 वस्तु, पहले हम 3/5 लेता हूँ, 3/5। अब मैं देखो इसमें 3/5 में देखो आप टोटल कितनी वस्तु है, टोटल देखो आप पहले से, टोटल यानी कुल, टोटल वस्तुओं कितनी है हमारी, 5 है। ठीक है, बेची कितनी गई है, सेलिंग, सेल कितनी करी गई है, इसमें से 3 सेल कर दी है, 3 वस्तुओं सेल हो गई। शेष कितनी बची है हमारे पास, रिमेनिंग, रिमेनिंग कितनी बची है, यानी यानी शेष कितनी रिमेनिंग बचेंगी, इसमें से 5 में से 3 बिक गई, 2 बची शेष, 2 यहाँ लिख दो। इतना तो आप कर सकते हो ना, है ना। इसके बाद में क्या करोगे आप, इसमें बराबर में ले दो आप, पांती कितना हो जाएगा हमारा, पांती 15, कितना है, 5% लाभ पर बेच दी, बेची गई है ना, 5% दी है ना, गलत लग गया सवाल है ना। इसमें क्या पांती, इतना हो गया पांती 15, 15 में आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें से देखना आप अंतर निकालना है, कितना अंतर है इसका, 60 का अंतर है ना। हमेशा देखो रिमेनिंग 2 है ना, तो हमें एक का निकालना है ना, तो एक का निकालने के लिए दो का, 2 से 60 को काट दो, कितना 30%। तो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन बी पे देखो आप, ये 30%। ठीक है, इस प्रकार से, सॉरी इसमें गलती हुई थी, इसमें 5% मैंने 5 8% की 8% लिख दिया था ना गलती से, ये 5% है इसमें। ठीक है, आप गलती हुई हो, आप दोबारा देख लें तो समझ लें आप, हमें सिर्फ भिन्न से मतलब, हमें पता है भिन्न 3/5 भिन्न है हमारी, टोटल कितने है, 5 है हमारे, 5 लिख दिए मैंने, है ना। सेलिंग कितने करें, उसमें से 5 में से 3 बेच दिए हमने, 5 में से 3 बेच दिए हमने, तो कितने परसेंट में, तो कुल टोटल बोला है तो टोटल अपने आप 15% था, 15 का हमने इसमें किया किया मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया इसमें, 3 में 5 का कर दिया तो 15 लिख दिया हमने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखो, और रिमेनिंग कितनी है, शेष 2 बची थी, 2 में से हमने क्या, 60 है ना, 2 का इसमें से भाग दे दिया 60 में, तो 30%, तो 30% ऑप्शन बी पे गया। ठीक है, इस प्रकार से अगला सवाल देखें, देखिए इस प्रकार का सवाल कोई एग्जाम में आ जाए, है ना। अब मैं देखो आपको 20 सेकंड में करके दिखाता हूँ, किस प्रकार से आप 20 सेकंड में करोगे, फिर उसके बाद में समझा दूंगा मैं, है ना। तो जिस ऐसे इस प्रकार का सवाल आ जाए, आपको इससे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें देखो आप सबसे पहले वस्तु को लेते हैं, 7/10 है, हमें क्या करना है, टोटल वस्तुएं कितनी हमारे पास, 10 है, और सेलिंग कितनी हुई हमारी, 7 वस्तुएं सेलिंग हुई है, 10 वस्तु है टोटल, 7 बेच चुके हैं हम, है ना। शेष कितनी बचेंगी, शेष वस्तुएं यानी रिमेनिंग कितनी बचेंगी, 3। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो, 10 में हमें टोटल कितनी थी हमारे पास वस्तुएं, देखिए 10.5, तो 10 में गुणा कर लूंगा अगर मैं 10.5 का, तो कितना हो जाएगा हमारा, 105 हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेना आप, और जो 7 में कितने परसेंट के लाभ से बेचा, 12 के, तो 7 × 12, 12 7 यहाँ कितना हो गया, 84, 12 7 84 हो गया, यहाँ पे 12 7 84, 12% लाभ पर था ना ये, बेची कितनी गई थी, 7 बेची है ना, 12% लाभ से बेची है वो। ठीक है, तो इसमें अंतर देखना आप कितने का, 21 का, शेष कितनी है, 3 है ना शेष हमारी, शेष 3 है, तो 3 का हम क्या करते हैं, इसमें से भाग दे देते हैं, 3 से काट देना, ऐसे कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 7%, 7% कौन सा, ऑप्शन डी। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी में कर सकते हैं, टोटल इतने दिख, कोई ज्यादा कठिनाई सवाल आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, आप करके देखना, दिमाग चला के देखना, इतनी जल्दी करना सवाल को, प्रत्येक सवाल को आप इस प्रकार से ही कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो, लैंग्वेज चेंज होगी ओनली, पैसे चेंज होंगे, परसेंट वही सेम वो मिलेगी, यहाँ परसेंट भी आ सकता है। ठीक है, तो एक सवाल और लावाल है, सबसे पहले हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, 4/7 भिन्न का रूप, हमें ये पता टोटल कितना हमारे पास, टोटल वस्तुएं कितनी हमारे पास, देखो व्यापारी के पास टोटल वस्तु है हमारे पास 7, कोई वस्तु हो, और बेच दी कितनी गई है, सेलिंग, सेलिंग कितनी कर दी गई है, 4 बेच दी गई है, शेष कितनी बचेंगे हमारे पास, शेष बचेंगे 3, तो 7 वस्तुएं टोटल है हमारे पास, तो कितनी में बेची कुल हमने, सॉरी आप देखिए ये वाला सवाल देखिए, 14वां, एक व्यापारी 4/7 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेचा बेच देता है, शेष कितने प्रतिशत पर बेचे ताकि कुल 10% लाभ प्राप्त हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे रखते हैं, 7/4 है टोटल वस्तुएं कितनी है हमारे पास, टोटल वस्तुएं हमारे पास 7, अच्छा सेलिंग कितनी कर दी गई है, 7 में से 4 हमने सेलिंग कर दी गई है, 4 जाने बोलो, शेष कितनी बचेंगी, शेष हमारे पास 3 है। ठीक है,
तो 7 कर देते हैं, 10% कुल कुल कितना 10%, तो 10 का मल्टीप्लाई करो तो इसमें कितना हो जाएगा 70। इसमें कर देना सेलिंग 4 का कर देना, 4 8 32, 4 8 कितना हो गया 32 हो गया। अब इन दोनों में से देखना आप, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8% है ना लाभ हो रहा है, सेलिंग बेची गई पे 8% लाभ हो रहा है इसीलिए 32। इन दोनों का अंतर देखना आप कितना बचेगा, इसमें से घटा दो 10 हो जाए, 10 में से 8 बचा या 3 बचा, 38 बचा। 38 में क्या करता हूं मैं, 3 का इसमें भाग दे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12.66 लाभ होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बहुत शॉर्ट आंसर, शॉर्ट हो सकता है सवाल, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इस वीडियो का लाभ लेके, कम से कम इसमें मैंने 4 टाइप के सवाल करा दिया आपको, है ना, इस टाइप इसी एक ही पार्ट में, है ना, 4 टाइप के सवाल करा दिए हैं। आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन कराए, और बहुत बड़ी बड़ी टाइप के क्वेश्चन है, आप करके देखना इनको, ठीक है। आप देखना कि कितनी देर में हम कर पाते हैं, तुम कितनी देर में कर पाते हो, मैंने जो कराए उस तरीके से आप कितनी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। आप देखना और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताना, कोई कमी हो मेरी अगर वीडियो में तो जरूर बताना, ठीक है, कमेंट जरूर करना, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।